अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग गुड। टुडे आई एम हियर विद माय वीडियो नंबर 6 ऑफ सोशल स्टडीज। माय नेम इज सना रूफ एंड आई एम हियर विद माय न्यू वीडियो नंबर 6 ऑफ सोशल स्टडीज। एज यू नो दैट इन माय प्रीवियस वीडियोस वी हैव डन द रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ लेसन नंबर 3 क्लाइमेट। And we have also done the question answers of lesson number 3 climate in our copy. So today we are going to do the work page of chapter number 3 climate. Okay, so for doing the work page, you have to take out your SST books and you have to take out page number 16 first, and then we will do the page number 17. So on page number 16, write down the date, and then I will explain you this page and you have to do it in your book. Now on page number 16, work page, exercise A. Now exercise A is make your own glossary of instruments used for recording the weather by finding the right names from the lesson and writing them against their meaning. यहाँ पे आपको एक लिस्ट बनानी है, ठीक है? आपको कुछ मीनिंग्स दिए हुए हैं और अकॉर्डिंग टू दैट मीनिंग आपने सही इंस्ट्रूमेंट का नाम लिखना है जो कि यूज किया जाता है वेदर को फाइंड आउट करने में, ठीक है? यानी किसी भी चीज की विंड स्पीड या एयर प्रेशर मालूम करने के लिए हम कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, उसके नाम आपको यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है? फर्स्ट वन आपको दिया है डैश यूज्ड टू मेजर विंड स्पीड। विंड स्पीड मालूम करने के लिए, हवा की स्पीड मालूम करने के लिए, कितनी तेज चल रही है या स्लो चल रही है, जो भी है वो स्पीड आपको बताता है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट बताता है? दैट इज एनेमोमीटर। सो जस्ट यू हैव टू राइट डाउन द आंसर इन द ब्लैंक्स। जैसे मैंने यहाँ पे लिख के दिया आपको, आपने ये आंसर्स अपनी ब्लैंक्स में अपनी बुक में लिखना है, ठीक है? नाउ नेक्स्ट वन इज डैश यूज टू मेजर एयर प्रेशर। हवा का दबाव, एयर प्रेशर मालूम करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं हम? इट इज कॉल्ड बैरोमीटर। नाउ द थर्ड वन इज डैश यूज टू मेजर रेनफॉल। बारिश जब होती है वो कितनी मिलीमीटर हो रही है, कितनी हो रही है किस जगह पे, तो उसको हम किस तरह से, किस इंस्ट्रूमेंट के जरिए बताते हैं? उस इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं रेन गेज। रेन गेज यूज टू मेजर रेनफॉल। नाउ द फोर्थ वन इज यूज टू मेजर टेम्परेचर, यानी वो इंस्ट्रूमेंट जो कि टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड थर्मोमीटर। एंड द लास्ट वन इज डैश यूज टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द विंड। डायरेक्शन ऑफ विंड यानी कि हवा किस डायरेक्शन में चल रही है, जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं ये बताने के लिए, विच यूज टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द विंड, इट इज कॉल्ड वेदर वेन। ओके, वॉट यू हैव टू डू, जस्ट यू हैव टू राइट डाउन द आंसर्स इन द ब्लैंक्स। ओके, नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज बी। Find the names of instruments you have written in A and the following words in the grid. अब एक्सरसाइज ए में आपने जो इंस्ट्रूमेंट्स लिखे हैं, जैसे आपने एक्सरसाइज ए में सबसे पहले लिखा था एनेमोमीटर, बैरोमीटर, रेन गेज, थर्मोमीटर, वेदर वेन, ये पांच वर्ड्स आपने ब्लैंक्स में लिखे थे। ये फाइव वर्ड्स और कुछ वर्ड्स यहाँ पे आपको ऊपर दिए हुए हैं, जैसे सीजन्स, क्लाइमेट, स्प्रिंग, समर, विंटर, ऑटम्स, ये सीजन्स के नाम है, ठीक है? तो ये आपको वर्ड्स इस पजल में ढूंढने हैं, ठीक है? ये सारे वर्ड्स आपको पजल में ढूंढने हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे करके दिया है। फर्स्ट वन देखें, यहाँ पे मैंने आपको बताया ये है सीजन्स, ठीक है? अब ये है ऑटम, ये रेन गेज, सही है, बैरोमीटर, ओके, ये है एनेमोमीटर, ये पूरे ये स्पेलिंग है एनेमोमीटर की, ठीक है? इसी तरह से ये है वेदर वेन, ये यहाँ से शुरू शुरू हो रहा है वेदर वेन, ठीक है? उसके बाद है ये स्प्रिंग। तो ये सारे वर्ड्स जितने भी यहाँ पे मौजूद हैं, यानी एक्सरसाइज ए में जो हमने इंस्ट्रूमेंट्स के नाम लिखे वो सारे वर्ड्स, ठीक है? उधर फाइव वर्ड्स हैं हमारे पास, एनेमोमीटर, बैरोमीटर, रेन गेज, थर्मोमीटर, वेदर वेन, ये फाइव वर्ड्स, और यहाँ पे आपको सिक्स वर्ड्स दिए हुए हैं, सीजन्स, क्लाइमेट, स्प्रिंग, समर, विंटर, ऑटम। तो ये सारे आपने इस पजल में फाइंड आउट करने हैं, ठीक है? जिस तरह से मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाया है, इसी तरह से आपको करना है।
बहुत इजी, और बहुत इजी एक्सरसाइज है ये। इसको आपको करने में बहुत एंजॉय भी करेंगे आप, मज़ा भी आएगा आपको। वर्ड पजल, इट्स लाइक अ वर्ड पजल। वर्ड पजल है, आपको इसमें सारे वर्ड्स ढूंढने। ठीक है, नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट पेज, एक्सरसाइज सी ऑन पेज नंबर 17। नाउ एक्सरसाइज सी इज राइट डाउन द मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स। इन वर्ड्स के आपने मीनिंग बताने हैं। फर्स्ट वर्ड इज क्लाइमेट। क्लाइमेट इज द लॉन्ग टर्म एवरेज ऑफ द वेदर। यानी किसी भी क्लाइमेट, आपको पता है किसी भी जगह का वेदर जो कि ज्यादा दिनों तक रहता है, जाहिर सी बात है क्या कहीं पे गर्मी है तो अगर आप उस गर्मी पूरे साल का एवरेज निकालें, वहां पे जो वेदर रहता है दैट इज द क्लाइमेट ऑफ द ऑफ दैट एरिया। जैसे कराची में ज्यादातर अगर हम देखें तो गर्मी होती है, अगर हम पूरे साल का एवरेज निकालें तो यहाँ पे गर्मी ही होती है ज्यादा, तो यहाँ का क्लाइमेट भी वार्म है, यानी गर्म क्लाइमेट है यहाँ का। ठीक है, नाउ द सेकेंड इज टेम्परेचर। टेम्परेचर द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, यानी कि गर्मी और सर्दी को जिस हम पैमाने में नापते हैं समझे, दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, इट इज कॉल्ड टेम्परेचर। लाइटनिंग, अ फ्लैश ऑफ ब्राइट लाइट इन द स्काई, जब बारिश होती है जो चमकती है बिजली, उसको हम कहते हैं लाइटनिंग। नाउ द फोर्थ वन इज रेनफॉल, द अमाउंट ऑफ वाटर फॉलिंग इन रेन, यानी बारिश में जो पानी आसमान से गिर रहा होता है दैट इज कॉल्ड रेनफॉल। नंबर फाइव, सीजन, इट इज अ डिविजन ऑफ एयर मार्क्ड बाय चेंजेस इन वेदर। आपको पता है साल को डिवाइड किया गया है चार सीजन्स में, यानी चार मौसमों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, समर, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम, इसी को हम सीजन कहते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द एक्सरसाइजेस ऑफ दिस लेसन, क्लाइमेट। सो जस्ट यू हैव टू डू दीज एक्सरसाइज इन योर बुक नीटली विद योर पेंसिल्स। ओके, now the lesson number 3 has been ended here. I will come with the new video, with the new video with the new lesson. Okay, so wait for my next video. Till then, Allah Hafiz.